हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्लांट के संदर्भ में, पौधों के संदर्भ में उसका वृद्धि कैसे होती है, विकास क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि वृद्धि किसको कहते हैं और विकास किसको कहते हैं। ग्रोथ ग्रोथ रिफर्स टू इनवर्सिबल इंक्रीज इन मास मास एंड साइज ऑफ ए बॉडी और ऑर्गेन्स, यानी कि किसी भी बॉडी में किसी भी ऑर्गेन का अगर इनवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है, उसके मास में या उसके साइज में किसी भी ऑर्गेन के या किसी भी बॉडी पार्ट के उसमें जो है मास या साइज में जो है वृद्धि हो रही, लेकिन वो वृद्धि या इंक्रीजिंग हो रहा है, वृद्धि हो रही लेकिन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार वृद्धि हो जाती है, एक बार उसके मास में वृद्धि हो जाए या साइज में वृद्धि हो जाए तो वो दोबारा लौट के नहीं आती है, ठीक ना। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है मास और साइज, इसी को हम जो है ग्रोथ बोलेंगे, इसी को हम जो है वृद्धि बोलेंगे। इट टिपिकली अकर्स थ्रू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। देखिए ये कैसे आता है, वृद्धि तब होगी, ग्रोथ तब होगी जब सेल का मल्टीप्लीकेशन होगा। सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक सेल से दो सेल, ऐसे सेल का जो है डिवीजन होता है, सेल का डेवलपमेंट होता है, तो इससे जो है मास और साइज में वृद्धि होती है, ठीक है। साथ ही क्या है, एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सबस्टेंसेस। इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो भी उसमें बढ़ता है, साथ ही साथ सेल का डेवलपमेंट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसी को हम जो है ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स हैव वेरियस फेजेस विच स्टार्ट विद एक्टिवेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड एंड्स विद मैच्योरेशन ऑफ द सीड। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ प्लांट में अगर हम देखें तो ग्रोथ के बहुत सारे फेजेस होते हैं। यह जो है स्टार्ट होता है कहां से, एम्ब्रियो, भ्रूण के बनने से। भ्रूण जब बन जाता है सीड में, उस भ्रूण के उसका जो है डेवलपमेंट होता है, जब मॉइस्चर मिलेगा, लाइट मिलेगा, एयर मिलेगा, तो इससे जो है उसका एम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाता है। तो एम्ब्रियो जब एक्टिव हो जाता है तो वहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये कहाँ कंप्लीट होता है, जब प्लांट पूरी तरह से जो है अपने सभी स्टेजेस को पूरा करते हुए सीड सेटिंग करता है, सीड उसमें आता है और सीड का मैच्योरेशन होता है, वहां तक ग्रोथ का प्रोसेस चलता है। तो ग्रोथ जो है अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि स्टेम अगर बढ़ गया है, स्टेम किसी चीज का बढ़ा है, तो अब उसकी जो है अब एक साइज तक तो एक लिमिट तक वो बढ़ जाएगा स्टेम, ठीक है। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका स्टेम तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर जब उसमें मोटापा आता है, वो धीरे धीरे उसका जो है वो मोटा होने लगता है, उसमें ब्रांचेस होने लगते हैं, तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में आता है। तो ग्रोथ में इतना है कि एम्ब्रियो के वृद्धि से लेकर सीड के मैच्योरेशन तक पूरा जो प्रोसेस है इसी को जो है ग्रोथ बोलेंगे। अब ग्रोथ में जो है सेल का ग्रोथ होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसकी वजह से जो है बॉडी में या ऑर्गेन में या प्लांट की जो है उसके साइज और मास में वृद्धि होती है। ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से हैं, ग्रोथ में जर्मिनेशन फेज है। जर्मिनेशन कैसे होगा, जर्मिनेशन तभी होगा जब उसको जो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। इसको डिटेल में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सोलर लाइट चाहिए, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, और इसके अलावा जो है मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर और सोलर लाइट, ये तीन चीजें इसको जरूरत होती है, साथ साथ एयर, तो इसकी वजह से जो है जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन जब होता है तो उसमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं सीड में। जैसे जिब्रेलिन सीड में होता है, पहले से एम्ब्रियो में होता है, तो सीड में जब जिब्रेलिन होता है तो वो जो एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक्टिवेट होगा तो फिर एम्ब्रियो को बढ़ने देगा, ठीक है, एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट वहां से होगा। तो बायोकेमिकल जर्मिनेशन में बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, दूसरा जो मार्फोलॉजिकल प्रोसेस। तो मार्फोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि
रेडिकल बनते हैं, प्लूमूल बनता है यानी कि प्रांकुर और मूलांकुर जो बनते हैं जिससे जड़ें निकलती हैं और पत्तियां निकलती हैं। इसके बाद जो है इमर्जेंस होता है, इमर्जेंस के बाद फिर जो है रूट का ग्रोथ होगा, शूट का ग्रोथ होगा, इसके बाद इनफ्लोरेसेंस यानी कि उसमें जो है फ्लावर निकलना, ठीक है, फ्लावर के जो पुष्पक्रम होते हैं वो निकलते हैं, और साथ ही साथ फिर जो है सीड और फ्रूट का ग्रोथ होता है। तो ये जो है ग्रोथ फेजेस हैं। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल यानी कि उसके आकार, उसका आकार लेता है और साथ ही साथ जो है उसका फंक्शनल यानी कि जो कार्यविधि होती है, ठीक, जैसे ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस में भी डेवलपमेंट होगा, ब्रांचेस के साथ साथ फिर जो उसमें पेनिकल्स निकलेंगे, फ्लावरिंग होगी, तो ये सारी जो चीजें दिखाई देती हैं फिजियोलॉजी के रूप में या उसके जो बनावट के रूप में, तो सभी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें होती है तो उसी जो डेवलपमेंट बोलेंगे। इसको आगे देखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी कैन बी कंसिडर्ड एज ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट पीरियड्स ईच आइडेंटिफाइड बाई एन अकम्पाइनिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर साइज वेट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेन्स। तो देखिए क्या है कि इसमें जो है जर्मिनेशन से मैच्योरिटी तक जो है चीजें होती है, लेकिन क्या करते हैं इसमें सबकी एक अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग सीरीज होती है, और सबको हम अलग करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग क्या, फ्लावरिंग एक बार अगर हो गई तो फिर फ्लावरिंग में भी जो है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक ना, फ्लावरिंग में भी टाइम लगता है। फ्लावर जो होते हैं पहले जो है बड्स होंगे, बड्स फिर वो जो है उसका जब ग्रोथ होगा तो फिर बड्स जो है फ्लावर का रूप लेगा, फिर फ्लावर से फिर जो है ग्रेन्स बनेंगे या सीड बनेंगे, ठीक है, उसके बाद फ्रूट बनेंगे, फ्रूट बनने के बाद फिर जो है उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है अलग अलग, इसी को जो है हम एक साथ जो है डेवलपमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेट टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ इन वेट ऑफ एन ऑर्गेन। तो किसी भी ऑर्गेन में जो है वेट के रूप में जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। मान लीजिए कि कोई एक जो है पौधा है, तो पौधा सबसे पहले ग्रोथ करेगा, और जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ हो जाती है, तो इसके बाद जो है इसका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जब होगा तो उसका फैलाव होगा, विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, वो जो सर्कल के रूप में मोटा होगा, उसके ब्रांचेस है तो वो मोटा होगा, तना है तो उसका भी जो है स्फेरिकल रूप में वो जो है एक तरह से वो जो है पूरा मतलब कि मोटा होगा, एक्सपेंशन यानी कि एक तरह से विस्तार उसका हुआ, या उसको कह लीजिए कि वो उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अगर कोई पार्ट्स है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, अब मान लीजिए कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक ना, इन दोनों का कंपेरिजन करें तो ये कहा जाएगा कि ये मोटा ज्यादा है, अब मोटाई में ज्यादा है तो इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसका डेवलपमेंट ये तो ग्रोथ हो चुका है, ग्रोथ हो गया, लेकिन इसका डेवलपमेंट उतना नहीं है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। एक तरह से उसकी मोटाई हो गई या उसकी क्वालिटी जो बढ़ती है उसी को जो हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में क्या है, जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस। जर्मिनेशन और इमर्जेंस दोनों जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों जो साथ साथ चलने वाली क्रियाएं होती हैं। तो ग्रोथ सबसे पहले होता है। अब ग्रोथ में क्या तीन चीजें मेन है, पहला जो है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है ट्रांसपायरेशन। ग्रोथ में जो है किसी भी ऑर्गन में ग्रोथ होता है, प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये तीन फैक्टर जो है जरूरी है। पहला जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जरूरी है, तीसरा जो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन। ये तीन मेन है जो है इसके जो है ग्रोथ के लिए, ठीक है। और साथ साथ जब ग्रोथ होगा तो उसी के साथ जो है डेवलपमेंट भी जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में जो है जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस, सीडलिंग ग्रोथ, मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज जिसमें टिलरिंग होती है, ब्रांचेस होते हैं, इसके बाद पेनिकल इनिशिएशन यानी कि जो
जिससे बालियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो बालियां इसमें निकलना स्टार्ट होंगी, इसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट का ग्रोथ होगा, फ्रूट की मैच्योरिटी होगी और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वहां पे ग्रोथ पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, तो ग्रोथ पूरी तरह कंप्लीट होगा, बाकी जो पार्ट्स होंगे उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में क्या होगा कि वेजिटेटिव पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद पहले क्या जर्मिनेशन इमर्जेंस हो जाएगा, सीडलिंग ग्रोथ हो जाएगा, इसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाद में फिर जो है जब ब्रांचेस निकल जाएंगे या पेनिकल इनिशिएशन हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्रूट उसमें लग जाएंगे, इसके बाद जो है ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ जब इसके बाद से रुक जाती है तो इसी को हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो गई है, ठीक है। जब जो है फ्रूट डेवलप हो जाता है, ग्रेन डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी उसी को हम बोलेंगे, ठीक है। अब जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो जाती है, ग्रेन बन गए हैं, इसके बाद ग्रेन मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ग्रेन मैच्योरिटी तक जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, उसके बाद हार्वेस्ट मैच्योरिटी। तो हार्वेस्ट मैच्योरिटी उसको कहा जाता है कि जब ग्रेन में मॉइस्चर धीरे धीरे कम होने लगता है, मॉइस्चर का लॉस होने लगता है, और वो जो है हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो है वो आ जाती है, यानी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, ऐसा उसमें जो है जर्मिनेशन परसेंटेज हो जाता है, जनरली जो है 15 के आसपास होता है, ठीक है ना। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 12% होना चाहिए, उससे या तो उससे कम होना चाहिए, लेकिन अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 20 से नीचे होना चाहिए, 20% से नीचे अगर मॉइस्चर रहेगा तो आप उसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्ट का मैच्योरिटी मतलब यही है कि सीड में जो है धीरे धीरे मॉइस्चर कम होने लगता है, तो उसी को हार्वेस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्टेज में ये है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर हम इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो उसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट आर इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय सोलर रेडिएशन अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिससे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर सोलर रेडिएशन अच्छे से मिल रहा है तो ग्रोथ अच्छे से होगा, डेवलपमेंट उसका अच्छे से होगा। इसके बाद टेम्परेचर भी जरूरी है, सॉयल मॉइस्चर अगर अच्छा रहेगा तो ग्रोथ उसका प्रॉपर होगा, और ग्रोथ होने के साथ साथ डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के लिए भी जो है यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है ये सभी चीजें होनी जरूरी है, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, सॉयल मॉइस्चर, सॉयल एयर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इनको जो है इनमें डिजीज होने नहीं देंगे, इनके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो ये सभी फैक्टर्स जो है जरूरी है, अगर ये फेवरेबल कंडीशन में मिल रहे हैं, साथ ही साथ ऑप्टिमम अमाउंट में मिल रहा है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है प्लांट का प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जाने कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।